हम देखेंगे रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन क्या है? रिस्पायरेशन इज अ मेटाबॉलिक प्रोसेस कैन अकर इन ऑल ऑर्गेनिज्म। मतलब क्या, रिस्पायरेशन एक मेटाबॉलिक प्रोसेस है, मतलब कि एक बार जो होगा फिर चेंज नहीं होगा, मतलब सेल के अंदर होने वाला एक प्रोसेस है। इट इज अ बाय क्या मतलब कि केमिकल चेंज, क्या हुआ था ऑक्सीजन इनहेल और एक्सहेल हुआ था, बट ई जो एक्सहेल एंड इनहेल का प्रोसेस है हमारे लंग्स में होगा, जिसमें क्या अल्वेओलाई ऑक्सीजन को कैरी करके कहा टिश्यू में भेजेगा। अब टिश्यू और सेल के बीच में जो प्रोसेस होगा उसे क्या कहेंगे हम, रिस्पायरेशन। तो उसमें जो प्रोसेस हो रहा है क्या हो रहा है, एनर्जी फॉर्म हो रहा है, ग्लूकोज टूटेगा और क्या बनाएगा, एटीपी एनर्जी बनाएगा जिससे हमारा बॉडी काम करेगा। तो बोला इट इज अ बाय मतलब कहा एक प्रोसेस था और इनके सेल में होता है। इन दिस प्रोसेस द एनर्जी एटीपी इज प्रोड्यूस बाय ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। क्या होगा, ग्लूकोज टूटेगा है ना, और क्या बनाएगा, एटीपी एनर्जी बनाएगा। व्हिच इज फर्दर यूज्ड बाय सेल, जो कहा जाएगा हमारे सेल में यूज होगा मेटाबॉलिज्म के लिए, ठीक है। परफॉर्म वेरियस फंक्शन, जैसे क्या बहुत सारा फंक्शन है, एटीपी बना लिया है ना, अब सेल को सेल मैनेज करना, एक फंक्शन हो गया क्या रिस्पायरेशन का। अब देखेंगे रिस्पायरेशन भी दो टाइप का होता है, कौन कौन होता है, एरोबिक एंड एनारोबिक रिस्पायरेशन। क्या आपके टाइप का हो गया दो टाइप का, पहला हो गया एरोबिक रिस्पायरेशन। एरोबिक रिस्पायरेशन मतलब क्या, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। इसमें भी क्या होगा, ग्लूकोज ब्रेक डाउन होगा, रिस्पायरेशन मतलब ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करके एनर्जी फॉर्म करें एटीपी में, ठीक है। तो अब क्या है, एरोबिक रिस्पायरेशन है, इट इज द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू जनरेट मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी। क्या मोर अमाउंट, वो ज्यादा अमाउंट पर एनर्जी बनाएगा, कैसे, जो ग्लूकोज है वो ब्रेक डाउन होकर एटीपी में बदलेगा और क्या होगा, बहुत ज्यादा क्या बनाएगा, एनर्जी जो हमारा बॉडी फंक्शन करेगा। कि क्या होता है, ग्लूकोज का फॉर्म होता है C6H12O6, ऑक्सीजन आएगा तो टूटकर क्या बनेगा, एक तो एनर्जी देगा बाय प्रोडक्ट बास्ट के रूप में H2O और CO2, दो क्या करेंगे एनर्जी बनेगा वो हमारा बॉडी के फंक्शन में काम आ जाएगा। दूसरा है एनारोबिक रिस्पायरेशन। एनारोबिक रिस्पायरेशन में क्या, इट इज द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इन ऑर्डर टू जनरेट एनर्जी। मतलब क्या, इसमें भी एनर्जी जनरेट होता है, ठीक, लेकिन क्या होता है, ये ऑक्सीजन का प्रेजेंस नहीं होना, नहीं होता है इसमें, तो इसमें सिर्फ एटोमेटिक टूटेगा जो कि जनरली प्रोकैरियोटिक में होता है, ठीक है, ईस्ट वगैरह में होगा। इसमें बाय प्रोडक्ट इथाइल अल्कोहल बनता है C3H6O3 और एनर्जी बनेगा जिसे हम इथाइल अल्कोहल बने कहेंगे, ठीक है। तो इतना ही एरोबिक रिस्पायरेशन, एरोबिक रिस्पायरेशन समझ लिए और रिस्पायरेशन का मतलब समझ लिए, तो आगे पढ़ेंगे एरोबिक एंड एनारोबिक का डिफरेंशिएशन, डिफरेंट।